सदारंग अदारंग की जीवनी सर्वत ख्याल का प्रचार होने से सदारंग अदारंग का नाम सर्वविदित है, क्योंकि उन लोगों ने अनेक छोटे बड़े ख्यालों की रचना की। ख्याल के साथ वे लोग भी अमर हो गए। सदारंग अदारंग उनका उपनाम था। उनका असली नाम क्रमशः नियामत खां और फिरोज खां था। अदारंग फिरोज खां सदारंग नियामत खां के पुत्र थे। गायक तानसेन की पुत्री की 10वीं पीढ़ी सदारंग की थी। उनका पूरा उपनाम सरदारंगीले था। उनके गीतों में अधिकतर सदारंगीले मोहम्मद सा लिखा हुआ पाया जाता है। वे मोहम्मद शाह के दरबार में थे। उनको प्रसन्न करने के लिए अपने गीतों में उनका नाम डाल दिया करते थे। एक बार बादशाह के दिमाग में ये बात जम गई कि सारंगी के साथ नियामत खां की बीन भी बजे। उनकी यह इच्छा नियामत खां को सूचित कर दी गई। इसे सुनकर वे बड़े दुखी हुए और वजीर से साफ साफ मना कह दिया कि सारंगी की संगति करना मेरी बेइज्जती है। मैं खानदानी बीनकार हूँ, कोई नहीं हूँ। बादशाह की बात किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती थी। एक ओर नियामत खां अपनी हठ पर अड़े रहे और दूसरी ओर बादशाह जो उसे दरबार में रखे हुए थे, वे अपनी आज्ञा की अवहेलना किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते थे। अतः उसने सदारंग को अपने दरबार से निकाल दिया। कुछ समय तक सदारंग अज्ञात रहे। उनका मन सदा ख्याल के प्रचार में लगा रहता। अंत में सदारंग ने ख्याल को प्रचार में लाने के लिए एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा कि अगर गाने के शब्दों में बादशाह का नाम भी डाला जाए तो ऐसे में गाने को सभी लोग पसंद करेंगे और गीत के साथ साथ ख्याल शैली भी प्रचलित हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया और उसे बड़ी सफलता मिली। उसने अपने सभी रचित गीतों में सदा रंगीले मोमदशा शब्द डाल दिया। बादशाह भी ऐसे गीतों को बड़े चाव से सुनता था। उसके मन में बड़ी उत्कृष्टता हुई कि सदारंगीले कौन है। पता लगाने पर वही नियामत खां निकले। बादशाह ने उनके पुराने अपराध को क्षमा कर दिया और पुनः आदर पूर्वक दरबार में रख लिया। दरबार के अन्य ध्रुपद गायक ख्याल को जनाना संगीत कहने लगे और उससे जलने लगे। कहा जाता है कि सदारंगीले स्वयं तो ध्रुपद गाया करते थे, किंतु अपने शिष्यों को ख्याल ही सिखाते। उसके गीतों में श्रृंगारिकता और बादशाह की प्रशंसा पाई जाती है। उसके रचित गीत ख्याल होने के कारण पहले निम्न कोटि के समझे जाते थे, किंतु जैसे जैसे प्रचलित होते गए उनका महत्व बढ़ता गया।